हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को टैली पढ़ाने वाला हूँ। टैली में स्टैंडर्ड रेट, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्रिएट कंपनी करते हैं, और यहाँ पर क्रिएट कंपनी करेंगे और इसमें जो भी कंपनी का यूज करना चाहते हैं वो कंपनी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाटा के कंपनी बना दिया हूँ और कंट्रोल ए करके इसको पूरा जो है एक्सेप्ट करा लिया हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेजर पर आएंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आप लोगों को अकाउंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करना पड़ता है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या करना, आप लोगों को क्लिक करना है या इंटर कर देंगे। तो इंटर करने के बाद इसमें आप लोगों को मिल जाएगा लेजर। तो लेजर में आप लोग जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। यह आपका लेजर हो गया और यहां से सिंगल लेजर क्रिएट आप लोगों को करना है। सिंगल लेजर क्रिएट कर लेंगे और यहां पर लेजर को हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो लेजर आपका यहां पर कस्टमर ए, कस्टमर ए आपका हो गया यहां पर इंटर, फिर इंटर। इसके बाद आपको अंडर, इसका अंडर जो होना चाहिए आपका सिंडिकेटर होना चाहिए। ओके, सिंडिकेटर। और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री वैल्यू जो है आपको हमेशा यस दिखाना है, क्योंकि जब अकाउंटिंग वाउचर में हम बनाएंगे नरेशन की एंट्री तो वहां पर आपको शो करेगा। ओके, यहाँ पर कस्टमर ए सिंडिकेटर, और बाकी जो है इसका डिटेल यहाँ से फिल कर लेंगे आप लोग, और बाकी मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर देता हूँ कंट्रोल ए के माध्यम से। इसके बाद कस्टमर बी, और इसका जो है सेंडी डेप्टर यहाँ पर यूज करना है, सेंडी डेप्टर। और यहाँ पर इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड को क्या करना है, यस कर लेना है, और बाकी जो है इसी तरीके से फिल कर लेना है। कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर दिया मैं। फिर बैक आना है, बैक आने के लिए एस्केप की का बटन प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं बैक कर लिया हूँ। फिर आना है आप लोगों को इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में। इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, गेटवे ऑफ टैली। बैक आने के बाद आपको इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर्स को आप लोग क्या करना है, क्लिक कर लेना है, या तो यहाँ पर लिख के आ रहा ना स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पर क्रिएट करके सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ से हूँ, और यहाँ पर शॉप लिख दे रहा हूँ। और बाकी जो है अंडर, इसका जो अंडर होना चाहिए यह प्राइमरी ही होना चाहिए, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इसके बाद बैक आना आप लोगों को है। बैक आने के बाद इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन तक आप लोग बैक आइएगा। इसके बाद आप लोगों को यहां पर आना है यूनिट ऑफ मेजर्स के ऊपर। यहां पर यूनिट ऑफ मेजर्स पे आकर के क्लिक करना है, यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंटर करना है और यहां पर क्रिएट कर लेना है। जो भी आपका आइटम रहेगा, जैसे कि ऑयल हो गया, लक्स हो गया, निर्मा हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, तो वह जिस यूनिट में आता होगा, जैसे कि बुक है तो बुक अगर लेने जाएंगे मार्केट से तो आपको वह किलो में नहीं देगा, पीस में देगा, और ऑयल ले लेंगे तो लीटर में दे देगा। तो जो चीज जिस हिसाब से ले रहे हैं वहां पर वह यूज कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर केजी लिख दे रहे हैं और यहां पर फॉर्मल नेम मतलब किलोग्राम लिखेंगे। ओके, और यहां पर एक्सेप्ट कर लेंगे। डेसिमल आपका जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना है, और यहां पर पीस और पीसेस। फॉर्मल नेम में ध्यान रखिएगा हमेशा जो है फुल नेम लिखा जाएगा, और इसको भी एक्सेप्ट करा लेना है। मैं केजी और पीस ले लिया हूं यहां पर दो आइटम, और यहां पर स्टॉक आप देख रहे हैं स्टॉक आइटम्स यहां पर आप लोगों को यूज करना है, और सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रेट का प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप लोगों को यहां से यह 12 का यूज करना है, और यहां पर आपको दो वैल्यू जो है यहां पर यस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यह दोनों जो है हमारा यहां पर यस है। आपका अलाउ स्टैंडर्ड रेट
फॉर स्टॉक आइटम यस, और अलाउ यहां पर ये जो ऑप्शन दिया है सेकंड वाला, इसको भी क्या करना है यस कर लेना है। ओके ये दो आइटम यस करना है। कहां से आएगा, यहां पर स्टैंडर्ड रेप यहां पर लिख के आ रहा है स्टॉक आइटम क्रिएशन, यहां पर आने के बाद आपको ये 12 दबाना है और ये दो आइटम जो है यहां से क्या करना है यस कर लेना। ओके और इसको बाकी एक्सेप्ट करा लेना है इसको। आप यहां पर जैसे कि मैं लेता हूं राइस, राइस राइस के अंदर जो आता है शॉप आता है, तो मैं यहां शॉप कर दूंगा और राइस हमेशा जो है केजी में आता है, यहां पर केजी करके ओके कर लेंगे। और सेट स्टैंडर्ड रेट पूछा जा रहा है तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है यस कर देना है। ओके और यहां पर यस करने के बाद यहां पर आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड जो है सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, मान लीजिए यहां पर हम 35.75 रुपया के पर रेट से जो है खरीद रहे हैं पर केजी से, और इसको सेल करना है तो यहां पर आपको इससे अधिक रेट में आप लोगों को सेल करना है। जैसे 37.25 रुपया ये आपका बाकी इसको क्या करेगा एक्सेप्ट करा लीजिएगा यहां पर, ये आपका हो गया। इसी तरीके से हम बुक कर दे रहे हैं बुक शॉप यहां पर, और यहां पर यह ध्यान रखिएगा पीस में आएगा और स्टैंडर्ड रेट इसको क्या करना है यस करना है, और बाकी यहां पर वैल्यू जो है किस हिसाब से यूज करना है वह दे सकते हैं। यहां पर हम जैसे कि 20 रुपया समय खरीद के लेके आ रहा हूं और यहां पर 22 रुपया जो है सेल करने का, यहां पर पीस जो है एंट्री करेंगे हम लोग और बाकी जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर क्या करना है आप लोगों को बैक आना है। इसके बाद आपको यहां पर गेटवे ऑफ टैली के बाद यहां पर ट्रांजैक्शन में आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन, अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको यहां पर क्या करना है क्लिक करना है, ध्यान रखना है यहां पर आने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपका जो भी यहां पर वैल्यू दिखाई दे उससे हमसे क्या मतलब है, नहीं मतलब है, हमको अभी मतलब है परचेस और सेल से। तो परचेस के लिए यहां पर देखिए सिंपल दिया गया है F9। यहां पर अगर सिंगल लाइन है जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर इन्वेंटरी यहां पर दिया गया है, तो यह देखिए इसके नीचे जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन अगर रहता है तो इसके लिए हम बोलते हैं अल्ट। अगर यहां पर डबल लाइनिंग जैसे कि यहां पर दिया गया है कंट्रोल यहां पर दिया गया है ना सेंट्रल, यहां पर क्या करना अगर डबल लाइनिंग इसके नीचे रहेगा तो यहां पर रहेगा आपका कंट्रोल, और सिंगल लाइनिंग रहेगा तो अल्ट। अगर इसमें कुछ नहीं रहेगा तो एकदम जैसे रहेगा वैसे ही यूज करना है आपको। ओके यहां पर परचेस के लिए F9 दिया गया है, लाइनिंग इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं ऐसे ही F9 प्रयोग कर ले रहा हूं। तो F9 देखिए यहां पर मैं प्रयोग किया और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो है रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर यहां पर मैं 01 दे रहा हूं, और यहां पर पार्टी नेम पूछा जा रहा है तो पार्टी नेम मेरा जो है यहां पर कस्टमर ए होना चाहिए आपका कस्टमर ए। और इसके बाद परचेस यहां पर जो लेजर बन रहा है ध्यान रखिएगा, तो इसका हम जो लेजर अभी क्रिएट नहीं किए हैं तो यह अलग चीज हो गया, परचेस लेजर अलग और पार्टी नेम अलग हो गया। ओके तो हम लोग क्या करते हैं बैक आने के बाद यहां पर अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन में फिर से आते हैं और यहां पर क्रिएट करते हैं लेजर, क्योंकि लेजर उसका जरूरी है बनाना, यहां पर करेंगे क्रिएट कर लेंगे। अब यहां से उसके लिए लेजर बनता है परचेस, फिर से यहां पर इसकी एंट्री होगी हमेशा ध्यान रखिएगा परचेस में, तो मैं यहां से परचेस कर ले रहा हूं अकाउंट, और बाकी जो है इन्वेंटरी वैल्यू को आप लोग यस कर लीजिएगा, ये आपका हो गया। इसी तरीके से हम सेल का एंट्री बना लेते हैं लेजर, और सेल अकाउंट में एक्सेप्ट करा देंगे इसको, ये आपका हो गया क्लियर बैक। अब अकाउंटिंग वाउचर ध्यान रखना है, ट्रांजैक्शन में आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर और क्रिएट कर देना है, पार्टी नेम कस्टमर ए एक्सेप्ट, और यहां पर अब दे रहा है देखिए परचेस लेजर, तो यहां पर जो एंट्री हम लिए थे अभी दोबारा उसके लिए यहां पर एंट्री है परचेस,
यहाँ पर इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्पेस आप लोग क्या कर रहा है यूज करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। इसमें से जैसे कि राइस है एंट्री कर रहे हैं, राइस यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 450 किलो जो है खरीद रहे हैं तो ये आपका 35 रुपया 75 पैसा जो हम लोग स्टैंडर्ड रेट में सेट किए थे रेट, वह यहाँ पर क्या कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका हो गया 16,087 रुपया। ओके, और बाकी जो है एक्सेप्ट करा लेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से कस्टमर ए आपका जो है एक्सेप्ट करा लिया यहाँ से, फिर कस्टमर ए जो है यहाँ से अभी बुक के लिए एंट्री करेगा, तो बुक यहाँ पर बचा हुआ है तो बुक हम यहाँ से कर लेते हैं 365, और बाकी जो है 20 रुपया के हिसाब से लगा रहा है तो 7,300 रुपया जो है इसका आ रहा है। बाकी जो है इसको एंट्री जो है मैं आपसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब बच रहा है सेल की एंट्री, तो सेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यह फेड दिया गया है, इसको क्या करना है क्लिक करना है यहाँ से है, तो मैं यह फेड जो है यहाँ से प्रयोग कर दे रहा हूँ शॉर्टकट की माध्यम से। और यहाँ पर पार्टी नेम पूछा रहा है, तो पार्टी नेम हमारा जो है बी है, इंटर क्रिएट कर लेंगे। बाकी जो है इसको फिलअप करने के लिए कंट्रोल ए कर देंगे तो आपका फिलअप हो जाएगा। सेल लेजर की बात कर रहा है, तो सेल लेजर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जब सेल हम जो क्रिएट कर रहे थे लेजर में वह यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा और इंटर कर लेंगे यहाँ पर। और नेम ऑफ आइटम की बात कर रहा है, तो नेम ऑफ आइटम में हम लोग स्पेस देंगे और यहाँ पर 450 जो है हमारे पास बचा हुआ है, तो अब यहाँ से अगर हम 375 जो है सेल कर दे रहे हैं तो 37.25 रुपया के हिसाब से ये सेल कर रहा है। बाकी यहाँ पर इसको जो है एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ पर पार्टी नेम हम जो है बी यूज कर दे रहा है फिर से, और कंट्रोल ए के माध्यम से एक्सेप्ट सेल। ओके, अब बुक बच रहा है, तो बुक हम यहाँ पर 300 जो है सेल कर दे रहे हैं 22 रुपया के यहाँ से पर पीस से, और बाकी यहाँ से एक्सेप्ट करा ले रहा है। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसकी जो है हम बैक आ करके प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से चेक कर ले रहे हैं, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल एंट्री हुई है आपका 20,558 रुपया यहाँ पर 68.75 पैसा। आपका परचेस जो एंट्री हुई है आपका यहाँ पर देख सकते हैं परचेस एंट्री आपका हुई है। अभी जो क्लोजिंग बचा हुआ है आपका यहाँ पर 3,981.25 रुपया आपका जो है बचा हुआ है, तो इतना का भी जो है आप सेल भी कर सकते हैं। अभी आपका नेट प्रॉफिट जो आया है यहाँ पर देख सकते हैं 1,162.50 रुपया, ये आपका जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ चुका है। तो आज हम सीखे हैं स्टैंडर्ड रेट, और इसका डे बुक का अगर जानना होगा तो यहाँ पर डबल डी का प्रयोग कर देंगे आप लोग। पहले डे से आपका डिस्प्ले आता है और दूसरे डे से आपका डे बुक आता है। ओके, तो यहाँ पर डे बुक भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं परचेस और जो है सेल का। क्लियर हो गया इतना? बस तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। बस मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू।